वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आईटी सेक्टर की बात अभी कुणाल जी ने कही थी और आईटी स्टॉक की मैं भी आज लाया हूँ। वो मैं तीसरी बार जेम्स आपके जेम्स में दे रहा हूँ। अक्टूबर 2020 में दिया, अक्टूबर 2021 में दिया और आज दे रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट हर बार बेहतर आ रहे हैं। जो पहली बार दिया था उसके बाद सेकेंड टाइम भी बेटर रिजल्ट आया और आज भी जून क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, उससे और कॉन्फिडेंस आता है। और कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही इंप्रेसिव है, जो प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड। अब देखिए, कंपनी बेसिकली जीआईएस सॉल्यूशंस में है और सैप डिजिटलाइज सॉल्यूशंस करते हैं, क्लाउड बेस्ड। और एसरी जो एक वर्ल्ड लीडर है जीआईएस सॉल्यूशंस में, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज बोलते हैं उसकी, ये बेसिकली इंडिया में प्लेटफॉर्म्स। तो जैक डेंगरमोंट, जिसको जीआईएस सॉल्यूशन, जिनको वो बेसिकली इस कंपनी के एक तरीके से मेंटोर है और वो एसरी के फाउंडर है और एसरी इज ग्लोबल लीडर इन जीआईएस सॉल्यूशंस, तो वो इस कंपनी को मेंटोरिंग कर। और चेयरमैन मिस्टर इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ है, वो एक आईआईटीएन है और बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड लेके आए हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कंपनी में। तो वो बेसिकली एक कंपनी थी क्वाड्रिएंट, जो कि सिस्को की फंडेड कंपनी थी और बाद में उन्होंने ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक्सेंचर और सिस्को के। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है और फंडामेंटल्स पे, तो फंड अगर ऐसे फंड हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत आता है। 18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की अगर 34% है और जीरो डेट कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ओपीएम भी बहुत बढ़िया, 20-21% के लगभग ओपीएम है। और पिछला क्वार्टर जो जून 2022 है उसमें पैट पिछले जून 2021 के 4 करोड़ के सामने 5.5 करोड़ का पैट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से जो लास्ट क्वार्टर है जून 2020 हाईएस्ट एवर गया है, बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं इस बार भी। तो मुझे लगता है कि, और जब मैंने पहले भी रेकमेंड किया था तो तब और अब में बहुत फर्क आया कंपनी में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए और आराम से 190 का टारगेट लिया। ओके तो ये 190 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी जेन साहब की तरफ से। साइबर टेक सिस्टम्स ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय।